मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। सिद्धार्थ शुक्ला अपने पीछे अपने परिवार के लिए कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत ही जाना माना चेहरा था जो कि एक्चुअली में हर किसी के दिल में बसता था, और जिसको भी इसके बारे में पता चला उसका दिल जो है वो काफी ज्यादा पसीज के रह गया है, और कोई भी इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि आज सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक के कारण निधन हो चुका है। हम आप लोगों को ये चीज बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का भी पोस्टमार्टम कोपर हॉस्पिटल में हो रहा है, और उसी दौरान ही लगातार मुंबई पुलिस जो है वो डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रही है, और अभी तक बयान उन्होंने कोई भी जारी नहीं किया है। इसी बीच में अभी वेट इस बात का है कि आखिरकार वो जो पिल्स खाते थे वो पिल्स कौन सी थी, और उन्होंने रात को कौन सी पिल्स खाई थी, किसके कारण उनकी ऐसी फिट बॉडी को हार्ट अटैक हो गया जबकि उनको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी। इसी बीच में एक्चुअली में सिद्धार्थ शुक्ला जो कि दिग्गज एक्टर माने जाते हैं, जिनकी 2020 में एक्चुअली में कमाई जो है 11.25 करोड़ रुपया बताई जा रही है, वो अपने घर वालों के लिए छोड़ के इस दुनिया को अलविदा बोल के चले गए हैं। इसी दौरान ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही पहले कर दी थी, पर उसके बाद उनको काफी ज्यादा पसंद तो किया गया था, पर बिग बॉस 13 में जैसा सिद्धार्थ शुक्ला दिखाई दिया वैसा लोगों ने फॉरेन से, इंडिया से, हर एक कोने से उनको वोट किया और उनको बिग बॉस 13 जिताया, और आज जो है वो आज हमारे बीच में नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला अपने परिवार के लिए बहुत ही बड़ी संपत्ति छोड़ के गए हैं, हालांकि ये बात नहीं है संपत्ति की, ये अभी दिलों की बात है, ये प्यार की बात है। हर कोई बस यही बोल रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला वापस आ जाओ, भगवान सिद्धार्थ शुक्ला को वापस भेज दो, और जानना चाहता है हर एक इंसान कि उनको हुआ क्या था। हम आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों को बताएंगे अगर ब्रेकिंग अपडेट जो हमारे सामने आई कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हार्ट अटैक के ही कारण हुआ है या इसका कोई और भी रीजन है या कोई और भी फॉल है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।